सबसे पहले तो शहर सोलापुर को के लोगों को ईद मुबारक, ईदुज़ुहा मुबारक। आज मेरा इस कब्रस्तान जड़े साहब कब्रस्तान में मेरा एक सवाल है शहर सोलापुर के लिए, यहाँ के कमिश्नर के लिए, यहाँ के आयुक्त के लिए, यहाँ के पालक मंत्री के लिए, कि एक मेरा सवाल है पूरी सोलापुर की जनता के लिए कि जो एक मामला होता है मुसलमान इस्लाम में दो ईद होते हैं, रमज़ान ईद और बकरी की ईद, दो ईद होते हैं। और इस ईद में एक ऐसा मामला होता है कि लोग कब्रिस्तान कब जाते हैं कि उनके घर के कोई बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बेटा, ऐसा जब कुछ मामला होता है तो ईद के मौके पर ईद की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले वो कब्रिस्तान में जाते हैं कि उनको ईद मुबारक बोलने के लिए। जो पिछले जो दो साल से जो मामला चल रहा है लॉकडाउन के पीरियड में, जब भी रमज़ान की ईद आ रही है और बकरी की ईद आ रही है तो कब्रिस्तान को बंद किया जा रहा है। आज भी सुबह में जड़े साहब कब्रिस्तान में यही मामला हुआ कि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, अभी नहीं है, अभी 1:30 बज रहे, अभी पुलिस यहाँ पर नहीं है, मगर सुबह सुबह जब ईद की ईदी जुहा की जो नमाज़ होती है फजर में 7 बजे 7:30 बजे नमाज पढ़ के लोग अपने अपने लोगों को यहाँ पर कब्रिस्तान में, आप देख सकते हैं यहाँ पर खबर इस तरह से खबर है, इस खबर के अंदर हमारे अपने इस खबर के अंदर है, इनको हम ईद मिलने के लिए हम यहाँ पर आते हैं पर उसे भी हमें रोका जाता है, उसे भी हमें रोका जाता है। बताइए आप, यहाँ पर हर खबर के बीच में 5 फीट का डिस्टेंस है और किसी खबर के पास हम आते भी हैं तो हमको 5 फीट दूर ठहर के वहाँ हम उनकी हम ज़ियारत करते हैं और उससे पहले हम वजू करते हैं। जिस तरह से चैनल बताया जाता है कि 3 बार हाथ धो, 30 सेकंड हाथ धो, हम वजू करते हैं तो हर चीज़ 3-3 बार धोते, 3 बार कुल्ली करते, 3 बार नाक में पानी लेते, 3 बार हाथ धोते, 3 बार मुंह धोते, उसके बाद हम कब्र के सामने जाते हैं और वहाँ पर हम ज़ियारत करते हैं, हम वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ आज को सब कोरोना का माहौल था शहर सोलापुर में, पिछले हफ्ते की बात है, महाराष्ट्र आरक्षण बहुत बड़े ज़ोरों शोरों में हुआ, अड़म मास्टर का मोर्चा 50,000 लोगों के बीच में शहर सोलापुर में हो सकता है, मगर एक मुसलमान अपने लोगों को कब्रिस्तान में मिलने के लिए नहीं जा सकता ईद बारात के लिए। ये मेरा सवाल है पालक मंत्री से, ये मेरा सवाल है यहाँ हमारे अंकुश शिंदे कमिश्नर साहब से, ये मेरा सवाल है यहाँ के आमदार से, ये मेरा सवाल है यहाँ के खासदार से कि अपने मरने के बाद उनको कब्रिस्तान में हम ईद के दिन उनको मिलने के लिए नहीं जा सकते। आप हमारे अपनों को मरने के बाद उनको मिलने के लिए नहीं दे रहे तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। आज इस पिछले हफ्ते का मामला है, अड़म मास्टर ने एक मोर्चा निकाला था 50,000 लोगों का, 50,000 लोग निकलते जब कोरोना नहीं होता, महाराष्ट्र आरक्षण होता है इतना लाखों के तादाद में जब कोरोना नहीं होता, ईद के दिन कब्रिस्तान में लोग अपने खबरों में बाज़ाब्ता की बता रहे हैं कि मुसलमान में वजू करते हैं हर चीज़ 3-3 बार हम मुँह हाथ पैर धो के आगे यहाँ पर करते, हमें वहाँ रोका जा रहा है कि कोरोना होगा, ये मामला नहीं, ये गलत है मामला। मेरा सवाल है सोलापुर की पूरी जनता से, सोलापुर के हर समाज के लोगों से मेरा सवाल है कि हमें ये दो साल से रमज़ान हो बकरी ईद को कब्रिस्तान में हमें क्यों रोका जा रहा है। हमारे अभी दोपहर से खुला छोड़ दिए पर सुबह सुबह जब हम नमाज़ पढ़ के सबसे पहले हमारे अभी मेरे पिछले साल मेरे माँ का इंतकाल हुआ, अभी इस साल मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है तो मेरी मम्मी को मैं ईद मुबारक बोलने के लिए आऊँ मगर सुबह मैं नहीं आ सकता, मैं 1:30 बजे आके मेरी माँ को मिल रहा हूँ, जो मरीज हो माँ को भी 1:30 बजे मिल रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का यहाँ पर पहरा है ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। आप देखो पूरे इस वक्त भी आप देख सकते हैं पूरे सोलापुर में कितनी पब्लिक फिर रही है, ये टारगेट क्यों जा रहा है कि कब्रिस्तान में लोग इकट्ठा ना हो, ये मेरा सवाल है सोलापुर की जनता से, ये मेरा सवाल है यहाँ के खासदार से, ये मेरा सवाल है यहाँ के आमदार से, ये मेरा सवाल है यहाँ के हर समाज के लोगों से कि क्यों ये टारगेट इसके आगे ना किया जाए कि रमज़ान बकरी की ईद को कि ये माहौल में आके इसको कब्रिस्तान को बंद ना करें। आदाब। चला।